हेलो एवरीवन, कुकिंग विद नरगिस में आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चिकन की टिक्की। तो ये मैंने सारा कुछ मिक्सर बना के रख लिया था। इसमें चिकन मैंने बॉईल डाला है और इसमें आलू है और गाजर है और सारे मसाले हैं। तो इसकी बस हम टिक्की बनाते हैं, छोटा छोटा पोर्शन लेके। इस तरह से हम इसकी टिक्की बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड हमारी, देखिए हमने बड़ी बड़ी इस तरह से बना ली है। ये टिक्की हमारी बन गई है शानदार। और देखिए अभी हमारा और बच गया है, तो इसको देखिए दूसरी चीज बना है। अब ब्रेडों को लेते हैं, ये हम ब्रेड से बना रहे हैं। आप देखिए कटोरी से, किसी भी चीज से जो आपके पास हो, इस कितना बड़ा आप ग्लास से किसी से, मैं वैसे ये बड़ी ब्रेड है तो मैं, ये जरूरी है हर घर में ब्रेड कटर हो। तो देखिए कितने आसानी से निकल आए हैं इस तरीके से। और ये ब्रेड भी हम फेंकेंगे नहीं, ये ब्रेड भी हमारी यूज में आ जाएगी। देखिए कितने आसानी से ये निकल गई है एकदम से, देखिए कितने शानदार सब निकाल रहे हैं हम। इनके ऊपर टमाटो सॉस लगा रहे हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है इस तरह से, इनको लगता है जैसे बर्गर है। तो हम टमाटो सॉस लगा रहे हैं अपने सारे पीसेस पे, लगा दे रहे हैं टमाटो सॉस। देखिए सब पे हमने ये सॉस लगा दिया है। लीजिए फ्रेंड, हमने सारा इस पे रख दिया है। और अब देखिए हम टमाटर भी लगा रहे हैं सब पे। इतना शानदार हमारे ये एक में विदाउट टमाटर के रहने दूंगी। और इस पे आप चीज लगा दे रहे हैं। आपकी मर्जी चाहे तो आप पूरी पूरी भी लगा सकते हैं चीज। ये फ्रिज की रखी हुई है, मेरी टूट जा रही है। मेरे पास स्लाइस चीज है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं। देखिए बच्चे शानदार हमारे चिकन आलू पकौड़े बनने वाले हैं। एक में बगैर टमाटर का बना रही हूँ ये, और बस ऊपर से सारे पीसेस को भर देंगे। लग रहे हैं ना इतने शानदार, बहुत ही शानदार लग रहे हैं। अब बस इनको ढकते हैं और ये शानदार हमारे सब बन के तैयार हो गए हैं। अब इनको एक साइड रखते हैं। हमने बनाया है ये एक लिक्विड, ये मैदा से बनाया हमने। 4 चम्मच मैदा ली थी हमने। और इसमें अब डाल रहे हैं हम थोड़ा सा ऑर्गेनो। आधा स्पून डाल रहे हैं इसमें नमक, और आधा स्पून डाल रहे हैं इसमें रेड चिली। बस इसको अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि इसमें कोई लम्स भी ना रहे। तो अच्छे से इसको देखिए, इतना पतला सा हमने इसका घोल तैयार किया हुआ। इसकी क्वांटिटी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए। हमारा ये घोल तैयार हो गया है। और ये हमने कैलॉक्स लिया है, इसको चूरा कर लिया है हाथों से, हाथों की मदद से। तो बस अब हम इनको इस तरह से अच्छे से डिप करते हैं इसमें, और कैलॉक्स में इसको मिला देते हैं। अच्छे से कैलॉक्स लगाते हैं इसमें, इतना भी ये एब्जॉर्ब करें, इतना ही कैलॉक्स इसमें लगाते हैं अच्छे से। देखे देखे।
दूसरा भी डिप करते हैं। बस इसी तरीके से हम सारों को अपने करेले को, फ्रेंड हमारे सारे तैयार हो गए, बस फ्राई करने के लिए। फ्रेंड हमारा ऑयल अच्छे से गर्म होने हमने रख दिया था, बहुत ज़्यादा हम इनको डीप फ्राई तो नहीं करेंगे, पर लेकिन अच्छे तेल गरम में ही डालेंगे। बस उनको बस बिस्मिल्लाह करके एक डाल दें, बस दो दो करके डालेंगे। फ्रेंड काफ़ी बड़े हमारे बर्गर हैं ये, तो इनको दो दो करके डालें। पलटे देंगे दूसरी को, क्योंकि फ्रेंड हमने एक और डाल दिया है, थोड़ा स्पेस हो गया था तो हम एक और डाल दिया है। इतना शानदार कलर आ रहा है आगे हैं हमें, लगते पलटते अच्छे से लेते हैं दोनों साइड से। गैस को फ्रेंड हमने थोड़ा सा मीडियम पे रखा हुआ है, बहुत हाई पे नहीं रखा हुआ कि जल जाएंगे, लेकिन ये फिर बहुत अच्छे से कुक नहीं हो पाएंगे। बहुत अच्छे से सिक गया है, एक एक करके निकाले लेते हैं इनको। ये भी सिक गया है, अच्छे से इसको भी निकाले लेते हैं। ये सिक्का है, ये कम सिक्का है, इसको भी रहने देते हैं। दूसरे टाइम हम दो और डाले देते हैं, बस इनको भी से सर्व करते हैं। हमारे शानदार सा देखिए तैयार है चिकन आलू, आप इसका कोई भी नाम नहीं, चिकन आलू बर्गर भी बोल सकते हैं। देखिए कितने करारे बर्गर हैं। अब मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ, एक प्लेट लेती हूँ और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इतना शानदार सा हमारा, देखिए कौन सा कटेगा ये पता नहीं, जिसमें आलू था वो कटेगा या फ्रेंड्स। कितना शानदार, देखिए देखिए कितना अच्छा, कितना करारा करारा एकदम से इसी तरीके से बनाइए, घर वालों को खिलाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। देखिए गर्मा गर्म इंजॉय करिए चटनी के साथ, शानदार सी चटनी, और देखिए शानदार एकदम से गर्मा गर्म लगाइए और खाइए। शानदार बना है, तो इसी तरह बनाइए, घर वालों को खिलाइए, रमजान एंजॉय करिए। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज।